हेलो क्लास, आज क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी भ्रूण का विकास या भ्रूण उद्भवन। हमने इसके पहले फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया है। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सिनगैमी और ऑटोगैमी मैंने बताया था आपको, जब अपने आप एक ही मतलब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, द्विलिंगी पुष्प हो, उस मतलब एक ही फूल से उसके मेल गैमेट्स यानी कि पालन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पड़ते हैं तो वो होता है ऑटोगैमी। और सिनगैमी जब एक मेल फ्लावर अलग हो और फीमेल फ्लावर अलग हो, अब वो फ्लावर भले ही मतलब वो दूसरे दूसरे प्लांट के हों, तो जब कोई एजेंट मीन्स जो तितली भौंरा या टिड्डा मैंने बताया था, जब कोई पॉलिनेटिंग एजेंट आएगा और वो पॉलिनेशन कराएगा तो वो होगा सिनगैमी। तो जब सिनगैमी आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सिनगैमी का जब डेवलपमेंट हो जाएगा, द एग इज कॉल्ड जाइगोट, तो जो एग बनेगा फ्लावर के अंदर उसे कहेंगे जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ए सीरीज ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस इन द ओव्यूल, जो ओव्यूल होता है अंडाशय, उसमें बहुत से चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं एज ए रिजल्ट, और उसके परिणाम स्वरूप जो चेंजेस होते हैं उनके परिणाम स्वरूप क्या मिलता है, सीड इज फार्म्ड, तो सीड बन जाता है। मैंने बताया था कि जो सीड होते हैं वो बेबी ऑफ प्लांट होते हैं, जैसे एनिमल के बेबीज होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बर्ड है तो बर्ड का बेबी उसका एग होगा, अंडा, अंडे से निकलेगा चीक, चूजा। तो उसी तरह से सीड जो होते हैं वो प्लांट के बेबी होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा प्लांट में, सीड बनेगा, और एनिमल में क्या बनता है, बेबी बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो वो बेबी कहाँ से बनता है, जाइगोट के डेवलपमेंट से। सेम उसी तरह से प्लांट में भी जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, और जाइगोट कैसे बना है, फर्टिलाइजेशन के बाद बना है। फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ है, सिनगैमी से हुआ है। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकोटाइलिडॉन्स, जो मैंने बताया था ना, मोनोकॉट और डाइकॉट, टू टाइप के एंजियोस्पर्म होते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट किसे कहते हैं, जिनमें फ्लावर आते हैं वो सारे प्लांट एंजियोस्पर्म होते हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में दो टाइप के प्लांट होते हैं, एक होते हैं मोनोकॉट और एक होते हैं डाइकॉट। जो मोनोकॉट होता है उसमें सीड के कोटाइलिडॉन्स सिंगल होंगे, और जो डाइकॉट होते हैं उनमें सीड के कोटाइलिडॉन्स डबल होंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने उदाहरण एग्जांपल बताया हूँ, चना ग्राम, आप चने का छिलका हटाइए, चने का सीड ले लीजिए, बीज उसका आप सीड कोट हटा दीजिए, छिलका हटा दीजिए, तो आप पाएंगे कि उसमें से पल्सज निकलेंगे दो, यानी एक ग्राम एक चना से दो दाल निकलेगा। तो ये दोनों दाल क्या होते हैं, कोटाइलिडॉन्स, और इनके अमाउंट के अनुसार हम एंजियोस्पर्म को टाइप्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट टाइप इज मोनोकोटाइलिडॉन्स, सेकेंड इज डाइकोटाइलिडॉन्स। मोनोकोटाइलिडॉन्स जो होते हैं उनमें सीड में एक ही कोटाइलिडॉन्स होता है, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, जिया मेज मीन्स मक्का है, धान है, गेहूं है, ये सब मोनोकोटाइलिडॉन्स हैं। इनके एक सीड में सिंगल कोटाइलिडॉन्स मिलेगा, और बाकी भी जो चना है, मटर है, अरहर है, मतलब पीजन पी है, पी है या ग्राम है, इन सब में डबल कोटाइलिडॉन्स मिलेंगे, इसलिए ये डाइकॉट। जिनमें डबल कोटाइलिडॉन्स वो डाइकॉट, और जिनमें सिंगल कोटाइलिडॉन्स वो मोनोकॉट। द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकोटाइलिडॉनस एंड डाइकोटाइलिडॉनस प्लांट आर सिमिलर एट द इनिशियल स्टेज, जो स्टार्टिंग स्टेज होता है डेवलपमेंट का, सीड के डेवलपमेंट का, वो मोनोकोटाइलिडॉन्स और डाइकोटाइलिडॉन्स दोनों में सेम होता है, बट डिफर लैटर ऑन, लेकिन बाद में जा करके वो एक दूसरे से डिफर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मतलब मोनोकोटाइलिडॉन्स में डेवलपमेंट अदर वेज में चला जाता है, जब डेवलपमेंट होने लगता है तब अर्ली स्टेज में, यानी प्रारंभिक स्टेज में तो दोनों सेम होते हैं, जब डेवलपमेंट होने लगता है तो जब अर्ली स्टेज से और ऊपर चढ़ते हैं तो उनमें चेंजेज आ जाते हैं, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप से चेंजेस करते हैं,
मोनोकोटाइलिडन्स का चेंज डिफरेंट टाइप का होता है और डाइकोटाइलिडन्स का अदर टाइप का होता है। डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटाइलिडोनस एम्ब्रियो, अब हम पहले इसमें पढ़ेंगे डाइकोटाइलिडोनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे मोनोकोटाइलिडोनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहला इसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया अभी कि एम्ब्रियो या एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटाइलिडोनस एम्ब्रियो। डाइकोटाइलिडोनस एम्ब्रियो, अब डाइकोटाइलिडोनस एम्ब्रियो में डेवलपमेंट कैसे होगा, तो डाइकोटाइलिडोनस को पहले आप अपने दिमाग में कोई भी एक डाइकोटाइलिडोनस प्लांट रख लीजिए, जैसे आप चना या मटर रख लीजिए, मतलब अपने दिमाग में इसको रखे रहिए। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा आप उसी पर अप्लाई करते जाइएगा, अपने थीसिस को, अपने अंडरस्टैंडिंग को उसी पर अप्लाई करते जाइएगा। द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटाइलिडोनस एम्ब्रियो वाज फर्स्ट स्टडीज बाई मैनस्टीन, एक वैज्ञानिक थे जो मैनस्टीन थे, उन्होंने सबसे पहले डाइकोटाइलिडोनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ा था और उन्होंने उसना अपना थ्योरी दिया था कि कैसे कैसे ये डेवलपमेंट करता है। एट द बिगिनिंग, प्रारंभ में द जाइगोट इंक्रीज द साइज, जो जाइगोट होता है वो अपने साइज में इंक्रीज करता है। जाइगोट सिंगल सेल से डबल सेल, डबल से ट्रिपल, ट्रिपल से फोर, मतलब वो अपने सेल्स बढ़ाते जाता है सेल डिवीजन के द्वारा, तो वो क्या करता है अपने साइज को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। टू फॉर्म ए सेलुलोज वाल अराउंड इट सेल्फ, और वो जब बढ़ता है तो उसके चारों तरफ एक सेलुलोज की वाल आ जाती है, सेल वाल सेलुलोज की आ जाती है, चूँकि ये प्लांट सेल है जाइगोट, तो इसमें सेल वाल क्या होंगे, सेलुलोज के होंगे। इसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, सेलुलोज के सेल वाल आ जाते हैं। इट सेल्फ एंड देन इट डिवाइड्स इनटू टू सेल, और इसके बाद ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है, और आगे चल के ये दोनों सेल भी दो सेल में डिवाइड होंगे, फिर वो दोनों सेल दो सेल में डिवाइड होंगे, फिर वो भी डिवाइड, इस तरह से डिवाइड होते होते सेल डिवीजन एक व्यापक रूप में फैल जाएगा और ढेर सारे सेल मिल करके टिश्यू बनाने लगेंगे और उनका डेवलपमेंट होता जाएगा। इट गिव्स राइज टू 8 cell octane एम्ब्रियो, तो देखिए बढ़ते बढ़ते जब 8 cell बन जाते हैं तो एम्ब्रियो जो होता है octane एम्ब्रियो बन जाता है। द स्पेंसर सेल पुशेज द एम्ब्रियो इनटू एंडोस्पर्म, एक सेल होते हैं सस्पेंसर, जो सस्पेंस फोर्स लगाते हैं किस पर, एम्ब्रियो पर, तो एम्ब्रियो कहाँ जाता है, एंडोस्पर्म में जाता है, टिशू टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और एंडोस्पर्म टिशू क्या करता है, न्यूट्रिशन को इसमें एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स जो फूड प्लांट बनाते हैं उनका कुछ न्यूट्रिशन सीड में चला जाता है। अब ये सीड में जाता कैसे है, देखिए जो सीड होते हैं, मैं आपको बड़े सिंपल भाषा में समझाऊंगा, उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि न्यूट्रिएंट्स की क्या ज़रूरत है, इसमें कोटाइलॉन्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो दाल आप खाते हैं, जो भी पल्सेज हम लोग खा रहे हैं, उन पल्सेज में जो भी प्रोटीन विटामिन्स हैं, मतलब वैसे तो मेनली प्रोटीन ही होते हैं, पल्सेज से हमें क्या मिलते हैं, प्रोटीन, दाल खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन वो प्रोटीन प्लांट ने हमारे लिए नहीं रखा है, उसने अपने बेबी के लिए रखा है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक सीड है, अब ये चना है ग्राम सीड, अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लांट में जब ग्रीन पार्ट आ जाएंगे, यानी कि उसके लीफ आ जाएंगे या वीक स्टेम, जो हर्बेसियस स्टेम होते हैं, हरे रंग के तने होते हैं, वो जब आ जाएंगे तभी फूड प्रिपेयर होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो सोचिए कि ये जब सीड को आपने मिट्टी में डाला, मिट्टी में मॉइस्चर है, नमी है, तो वो सीड क्या होगा, ग्रो होगा,
तो इसमें से सबसे पहले तो ये पतली सी पूंछ निकलेगी और ये चली जाएगी नीचे जो कि बनेगा रूट, और फिर बाद में ये एक ऊपर निकलेगा छोटा सा और ये जाएगा ऊपर की तरफ जो बनेगा स्टेम। तो जब तक ये ग्रोथ होता है, स्टेम बनने के बाद फिर लीफ बनेंगे। अब सोचिए लीफ अभी नहीं बना है, लीफ अभी नहीं बना है, अभी तो ये केवल रूट निकल रहे हैं, तो इनमें सेल डिवीजन हो रहा है, इनमें ग्रोथ हो रहा है, तभी तो ये बढ़ रहे हैं। इसके ग्रोथ होने के लिए और सेल डिवीजन होने के लिए इसको फूड चाहिए, और वो फूड कहाँ से पाएगा जब इसके पास लीफ नहीं है। तो या अब मान लीजिए अभी ये थोड़ा सा नन्हा सा अभी निकला है ऊपर भी, तो इन दोनों को ग्रो होने के लिए फूड चाहिए, वो फूड आएगा कहाँ से? बेचारा अभी बना तो पा नहीं रहा, ये सीड फूड तो बना नहीं रहा क्योंकि इसके पास अभी लीफ है नहीं, कहाँ से फूड आएगा? तो इसके जो मम्मी पापा थे मदर प्लांट, वो प्लांट जिससे ये सीड आया, उस प्लांट ने अपने इस बेबी के लिए, जो बेबी अभी ये ग्रो हो रहा है, उस बेबी के लिए जो कोटालिडॉन्स होते हैं, ये दोनों कोटालिडॉन्स, अब यहाँ पर छोटा सा बेबी होगा बेचारा, यही ग्रो होकर के ये निकलता है, इस बेबी के लिए मदर प्लांट ने इस कोटालिडॉन्स में ढेर सारा फूड स्टोर कर लिया है। आप देखे होंगे कि जैसे जैसे ये ग्रो होता जाएगा, ये अंदर का जो कोटालिडॉन्स है ये सूख करके पिचकता चला जाएगा, और एक ऐसा स्टेज आएगा कि ये कोटालिडॉन्स भी ऊपर जा करके ख़त्म हो जाता है, और इसमें लीफ वगैरह आ जाते हैं तो वो अपना फूड बनाने लगता है। और हम क्या करते हैं, हम लोग इतने निर्दयी हैं, बेचारे इस बेबी प्लांट का जो फूड रखा है उसके मदर प्लांट ने, हम उसी को दाल के रूप में खा जाते हैं, जबकि उस फूड को मदर प्लांट ने अपने बच्चे के लिए रखा कि मेरा बच्चा जब ग्रो करेगा तो खाएगा, और हम क्या करते हैं उस बच्चे को भी खा जाते हैं, मतलब छोटा सा अभी इतना छोटा सा बेबी प्लांट है उसको भी हम खा जाते हैं, उसका पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया बेबी प्लांट, और उसके बाद उस बेबी प्लांट के साथ जो उसका फूड था वो भी हमने खा लिया। तो सोचिए हम लोग खा जाते हैं उसके, मतलब प्लांट लोग हमारे लिए फूड नहीं बनाते हैं, कोई भी प्लांट कभी भी हमारे लिए या अदर लोगों के लिए फूड नहीं बनाता है, वो अपने लिए ही बनाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको छीन के खा जाते हैं, उसके बच्चे को भी, और उसके अब हम लोग इतने दयावान भी ना बन जाएं कि उसके सारे बच्चों को रखें, भाई इतने तो हम ही भूखों मर जाएंगे, खाएंगे क्या? मतलब जो भी अनाज है, मान लीजिए चावल खा रहे हैं, चावल में भी सिंगल कोटालिडॉन्स है, उस कोटालिडॉन्स को उसने अपने बेबी प्लांट के लिए रखा है प्लांट ने, हम इतना रक्षा करने लगे भाई बेबी प्लांट को भी कुछ ना हो पाए, उसके फूड को भी कुछ ना हो पाए, उस फिर से ग्रो करेगा तो हम क्या खाएंगे, हम तो मर जाएंगे भूखों। तो ये इसका नेचर का, ये नेचर है, नेचुरल चीज़ें हैं। फिलहाल आते हैं सब्जेक्ट पर अपने। एम्ब्रियो जो होता है वो क्या हो जाता है, एंडोस्पर्म में टिशू के द्वारा न्यूट्रिशन पा जाता है, तो ये न्यूट्रिशन इसमें भर जाता है आकर के। द ऑक्टेंट डेवलप्ड फ्रॉम टर्मिनल सेल सून डेवलप्ड इंटू ग्लोब्यूलर, और जो टर्मिनल सेल है वो ग्लोब्यूलर में चेंज हो जाता है। देन हर्ट शेप्ड मेच्योर एम्ब्रियो, और उसके बाद जो है मेच्योर एम्ब्रियो हो जाता है हर्ट के शेप का, लगभग हृदय के आकार का एम्ब्रियो मेच्योर हो जाता है। ध्यान दीजिए, इस एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर लगभग ऐसे होगा, ये हर्ट के शेप का है, ये उल्टा हर्ट है, मान लीजिए आप लोग हर्ट ऐसे बनाते हो तो ये तो सीधा हर्ट आपने बनाया, ये फिल्मी भाषा वाला हर्ट है, उसी के शेप का ये नीचे से ऐसे बनता है। अब देखिए बाद में ये क्या होगा, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, अभी भी हो ही रहा है, क्योंकि ये बाद में क्या होगा, ये बीच में से बटेगा और ये डाइकॉट बन जाएगा, और बीच में बेबी प्लांट यहाँ पर आ जाएगा। अब जब ये स्टार्टिंग स्टेज में होता है डाइकॉट भी, तो ये सिंगल सेल से डेवलप हो रहा है, इसलिए ये धीरे धीरे डेवलप होकर के हर्ट शेप ले लेता है, और इसका ये ऐसे स्ट्रक्चर हो जाता है। ऐसे ए टिपिकल डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनियल एक्सिस। देखिए एक टिपिकल एम्ब्रियो में जो डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो होता है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस, भ्रूणीय अक्ष पाया जाता है, एंड टू कोटिलेडोन्स,
और दो बीजपत्र पाए जाते हैं। कोटल डांस मीन्स बीजपत्र। द पार्टीशन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द कोटोडांस इज द एपिकोटिल। और जो पार्टीशन होता है वो क्या होता है, एपिकोटिल होता है, जो एक्सिस एम्ब्रियोनल एक्सिस में बांट देता है। विच टर्मिनेट्स टू द प्लूमिनेट और स्टेम टिप। और जो बाद में आगे चल करके वो टर्मिनल क्या बन जाता है, स्टेम का टिप, मतलब तने का ऊपरी छोर बन जाता है। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटलेडॉन्स। कोटलेडॉन्स के लेवल के नीचे जो सिलेंड्रिकल पोर्शन आता है, बेलनाकार भाग आता है, इज हाइपोकोटाइल, उसको कहते हैं हाइपोकोटाइल, दैट टर्मिनेट्स इन द रेडिकल और रूट टिप। और ये बनता है रूट टिप, जड़ का ऊपरी हिस्सा आगे का, जो रूट का टिप होता है वही उसको आगे बढ़ाता है। जड़ नीचे ज़मीन में टिप बढ़ता है और ऊपर स्टेम का टिप क्या करता है, स्टेम को ऊपर बढ़ने में सहायता करता है, ऊपर के टिप होते हैं। द रूट टिप इज कवर्ड विथ ए रूट कैप। रूट टिप जो होता है रूट कैप से ढका होता है, जैसे मैंगो, एप्पल, रेडिश, रोज, इनमें रूट। अब आप रेडिश का रूट देखिए, आप मूली खाए होंगे, मूली का जड़े खाते हैं आप, तो आप एग्जाम्पल में रेडिश, ये मान लीजिए रेडिश है, इसे आपको खाना है, इसका जो रूट है, ये तो रूट ही तो खा रहे हैं आप, इसका जो सबसे आगे का मुलायम भाग होगा यही होगा रूट टिप, और ये कवर्ड किससे होता है, रूट कैप से। रूट कैप क्या करता है, रूट टिप बहुत कोमल भाग है, ये मिट्टी में जब फोर्स लगाएगा आगे बढ़ने के लिए तो बेचारा टूट जाएगा, इसलिए उसका प्रोटेक्शन के लिए रूट कैप होना जरूरी है, तो रूट टिप पर रूट कैप होता है। इन मोस्ट डाइकोटाइलेडोनस प्लांट एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज सिमिलर टू द एम्ब्रियो ऑफ कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस द ओव्यूल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोटाइलेडोनस एम्ब्रियो। ये था डाइकोटाइलेडोनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। इसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे मोनोकोटाइलेडोनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट।